पूरे भारत में COVID-19 टीकाकरण का ड्राई रन आयोजित किया गया। देवघर के सदर अस्पताल सहित जिले के सभी 9 स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन को लेकर ड्राई रन आयोजित किया गया। सदर अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र में यह अभ्यास किया गया। ड्राई रन के दौरान की गई पूरी तैयारी सदर अस्पताल के चार कमरों में इस पूर्वाभ्यास के लिए तैयार किया गया था। पहले कमरे में निबंधित व्यक्ति द्वारा अपना पहचान पत्र दिखलाया गया। निबंधित व्यक्ति की पहचान के लिए उनके पहचान पत्र से सिस्टम में मिलान कर उसकी जांच विभाग से जारी ऐप के माध्यम से की गई। दूसरे कमरे में प्रतीक्षा हॉल बनाया गया था, जहां निबंधित व्यक्ति को इंतज़ार करने को कहा गया। इसके अगले कमरे में टीका लगाने का वैक्सीन रूम बनाया गया था। इस कमरे में टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया की गई। इसके बाद उस व्यक्ति को अगले कमरे में बने ऑब्जर्वेशन हॉल में रखा गया। करीब एक घंटा तक वैक्सीन लिए व्यक्ति की निगरानी की जाएगी। इस दौरान यदि थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत आती है तो तत्काल उनको अस्पताल में बने विशेष वार्ड में ले जाया जाएगा। यदि सब कुछ सामान्य रहा तो उनको घर भेज दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में एक ANM एवं 3 स्वास्थ्य कर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया है। विभागीय अधिकारी के अनुसार देवघर में पहले चरण में 4117 वॉरियर्स का टीकाकरण होना है। उपायुक्त ने बताया कि वैक्सीन से डरने की आवश्यकता नहीं है और देवघर में इसको लेकर कोई भ्रम नहीं है। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, अगर किसी तरह का भ्रम वाला मैसेज आता है तो जिला प्रशासन को सूचना देने की बात कही। वैक्सीन का ड्राई रन का निरीक्षण करने आज देवघर उपायुक्त मोहनपुर CHC भी पहुंचे थे। CHC का निरीक्षण करने के बाद देवघर के सदर अस्पताल पहुंचे और वहां पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझा और फिर मीडियाकर्मी से बात किया और उन्होंने बताया कि आज देवघर जिले के 9 जगहों पर इनका ड्राई रन चलाया गया था, जहां काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा और कुछ जगहों पर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बताया गया कि कुछ समस्याएं हुई, देरी से आंकड़े आए, लेकिन सभी जगह लगभग ठीक रहा और देवघर सदर अस्पताल में 25 लोगों का जांच करना था, लेकिन 25 में से 23 लोग आज पहुंचे हुए थे और 23 में का ड्राई रन लिया गया और उनका सफल वैक्सीन का ड्राई रन जो था वो सफल हुआ। और आप देख सकते किस प्रकार से पूरी तरह से उपायुक्त ने इस चीज़ को समझा, फिर मीडियाकर्मी से बात किया। पूरा अभी आज जिला भर में ड्राई रन चल रही है कोविड वैक्सीनेशन की, तो उसी के निरीक्षण के लिए आए थे, तो सभी सुचारू रूप से चल रही है, किसी तरह का कोई इश्यूज नहीं है और सारा तैयारी कर चुके हैं। सर, कई तरह की भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई है वैक्सीनेशन को लेकर? इस जिले में खासकर किसी तरह का कोई भ्रांति नहीं है। हम लोगों ने बहुत अच्छा से यहाँ कम्युनिकेशन किया है और सारे पंचायत लेवल से लेकर हमारे महिला समूह और टीचर सभी लोगों से हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो यहाँ इस जिले में उस तरह का कोई समस्या नहीं है। पूरे जिले की बात कर रहे हैं कि आज के जो इस ड्राई रन में हम लोगों ने एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक, इसमें कि उसके जो भी बेनिफिशरी आते हैं उसको लिस्ट से मिलान करते हुए, सैनिटाइज करते हुए, मास्क पहनाते हुए उनको आगे प्रतीक्षालय में बैठने के लिए बोलते हैं, ताकि उनका टर्म आएगा तो फिर जाके वेरिफिकेशन रूम में जाके वेरीफाई करा लेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को और ऐप पर वो आ जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ टीकाकरण कमरा है, उस कमरे में टीकाकरण होता है। हमारे प्रशिक्षित ANM द्वारा वो टीकाकरण करती है और उनको संदेश देती है, ये टीका बहुत ही सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर इस पर बात कीजिए या स्वयं आइए, इसके लिए हमारी व्यवस्था है। और अगला टीका की तारीख आपके मोबाइल पर चला जाएगा जब जनरेट हो जाएगा। इस बीच में टीकाकरण के बाद भी कोविड से मैंने जो कोविड उपयुक्त जो ये है अपना बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएटेड बिहेवियर जो वो व्यवहार हमको अपनाना पड़ेगा, जिसमें मास्क लगाना, सैनिटाइज करना अपने को और
दो गज की दूरी को मेंटेन कर रहे हैं। ये तो बराबर अभी चलता ही रहेगा और ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं। कब से टीका लगना शुरू हो जाएगा? ये अभी हम लोग को नहीं आया है, तिथि आने पर हम लोग बता देंगे। सर पूरे जिले में कितने जगह? 8 CAC हैं और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।